আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সিফাতু সাইয়িদিনা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। সিফাতুন আই নাতুন, হাদা আল ফাসল নুইতা ফিহি উমর ইবনুল খাত্তাব। যে সাবাক जो हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुख्तारात में है, ये ऐसा मालूम होता है कि एक ही जगह से लिया गया है। हालांकि ये सीरत इब्नुल जौज़ी के मुख्तलिफ हिस्सों से माखूज़ है। हज़रत हुज़ैफ़ा का एक कौल है, एक कौल हज़रत अबू तलहा अंसारी का है और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का है। फिर आगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का है, काना अजवदना नसीजा वहदिही क़द अअद्दा लिल उमूर अक़रानहा। तो ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ये एक क़ौल आप देखेंगे कि काना वल्लाही उमर इदा तकल्लमा अस्मअ व इदा मशा असरअ व इदा ज़रबा औजअ व हुवा नासिकु हक़्क़न। ये शिफा बिनते अब्दुल्लाह का कौल है। तो मुख्तलिफ काइल हैं इसके ताबईन और सहाबा, और बाज़ मरफू भी अकवाल हैं। तो उन सब से ये फसल तैयार की गई है। जो आप देख रहे हैं ऐसा मालूम होता है कि एक ही जगह से ये ले लिया गया है। ऐसा नहीं है, किताब एक है लेकिन उसके मुख्तलिफ मकामात से ये मुंतखब किया गया है। बहरहाल बहुत अच्छा इंतखाब हो गया है, सेलेक्टेड और मुंतखब इबारतें इसमें आ गई हैं। सिफत के मायने होते हैं हुलिया बयान करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुलिया इसमें बयान किया गया है, उनके औसाफ़ बयान किए गए हैं। वसफ़ा यसिफ़ु वसफ़न वसिफ़तन, ये असल में वसफ़न था, फिर वाव को हज़्फ करके उसकी जगह पर आखिर में ता मुदव्वरा बढ़ा दी गई है, जैसे वज़नुन से ज़ीनतुन। सिफ़तु सय्यिदिना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले का जुमला है। सय्यिदिना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये मुज़ाफ़िले है और सिफ़तु मुज़ाफ़ है। अब आप किसी का भी हुलिया बयान करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सिफ़तु वालिदी, मेरे वालिद का हुलिया। फिर आप बयान कर दीजिए आखिर में कि मेरे वालिद ऐसे थे ऐसे थे, तो अरबी में कहेंगे सिफ़तु वालिदी। इसको नात भी कहते हैं अरबी में, नाता यनातु नातन, और हल्ला युहल्ली तहलियतन भी कहते हैं हुलिया बयान करना, हल्ला युहल्ली तहलियतन। और वसफ़ यसीफ़ सिफ़तन और नअत यनअत नअतन, तीन अल्फाज इस वक्त मेरे जहन में हैं जो किसी के औसाफ़ और अखलाक और मज़ाहिर और बातिनी औसाफ़ दोनों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। फरमाते हैं रजुलुन ला युहिब्बुल बातिल, रजुलुन ला युहिब्बुल बातिला वलैसा मिनल बातिल फ़ी शैइन। ये अलग अलग अकवाल हैं जैसा कि आपको हमने बताया। रजुलुन, इससे पहले आप महजूफ मान लेंगे उमरु रजुलुन, हज़रत उमर ऐसे शख्स हैं, तो उमर मुब्तदा है, रजुलुन खबर है। और ला युहिब्बुल बातिल ये सिफत है रजुलुन की, रजुलुन मौसूफ नकिरा है और जुमला भी नकेरा होता है, इसलिए ला युहिब्बुल बातिल ये सिफत है जो जुमले की सूरत में है और जुमला नकेरा के हुक्म में होता है, तो मौसूफ सिफत में मुताबकत हो गई। ऐसा शख्स जो बातिल से मोहब्बत नहीं करता है। अब अगर आपको कहना है ऐसा शख्स जो हक की नुसरत करता है, तो आप कहेंगे रजुलुन यंसुरुल हक, अल्लज़ी नहीं कहेंगे, रजुलुन अल्लज़ी, ये गलत हो जाएगा।
अगर अल्लदी लगाएंगे तो अर्रजुल्लदी ला युहिब्बुल बातिल, इस तरह से बोलेंगे, रजुलुन ला युहिब्बुल बातिला, वो ऐसे शख्स हैं जो बातिल से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते हैं, बातिल को वो जर्रा बराबर भी पसंद नहीं करते हैं, बातिल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आगे जो लफ्ज़ है वलैसा मिनल बातिली फी शैइन, वो बातिल में से नहीं है किसी भी चीज में। ये एक ताबीर आती है लैसा मिनहू फी शैइन, मतलब ये है उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको कहना है कि मेरा इस मैटर से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप कहेंगे लस्तु मिन हादल अम्री फी शैइन, लस्तु मिन हाज़ल अम्र, इस मामले में से मैं नहीं हूं किसी भी चीज में, यानी कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान शरीफ में भी इस तरह का इस्तेमाल हुआ है इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम वकानू शिया लस्त मिनहुम फी शै, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और वो मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ गए, आप उनमें से नहीं है, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लस्ता मिनहुम फी शै। तो हजरत उमर ऐसे शख्स हैं जो बातिल को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और बातिल से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, किसी भी बातिल की किसी भी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं है, लैसा मिनल बातिल फी शै। आप अपनी ताबीरात में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लस्तु मिन हादा फी शै। आगे फरमाते हैं इन अल्लाह जअला अल हक अला लिसानिही व कल्बिही, अल्लाह तबारक व तआला ने हक को जाहिर फरमा दिया, हक को साबित फरमा दिया, अला लिसानिही उनकी जबान पर और उनके दिल पर। जअला का लफ्ज बहुत वसी है, साबित करने के मायने में आ सकता है, कायम करने के मायने में आ सकता है, जाहिर करने के मायने में आ सकता है। तो जअला ये लफ्ज़ आम है, सियाक़ो सिबाक से इसको आप कई मानी पहना सकते हैं। अल्लाह ने हक बना दिया उनकी ज़बान पर, यानी हक जाहिर फरमा दिया उनकी ज़बान से, और दिल में बना दिया मतलब दिल में साबित कर दिया, दिल में अल्लाह तबारक व ताला ने हक को रासिख कर दिया और ज़बान से जाहिर कर दिया। इन अल्लाह जअला अल हक अला लिसानिही व कल्बिही, अब अगर कहना है कि हिकमत उनकी ज़बान से जाहिर होती है तो आप कहेंगे इन अल्लाह जअला अल हिकमत अला लिसानिही व कल्बिही। आगे फरमाते हैं वहुवल फारूक, वहुवल फारूक, वो फर्क करने वाले हैं। फारूक फारूल का वजन है, ये मुबालगे का सीगा है। फारूक फराक यफरक माने जुदा करना, फारूक बहुत ज्यादा जुदा करने वाला। तो फारूक बैन अल हक वल बातिल, वो हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाले हैं। उसी की तौजीह है फर्रक अल्लाहु बिही बैन अल हक वल बातिल, अल्लाह ताला ने उनके जरिए से हक व बातिल में इम्तियाज कर दिया। जब वो मुसलमान हुए तो इस्लाम की शान जाहिर हुई और बातिल पसपा हो गया, अहले बातिल कमज़ोर पड़ गए, और अल्लाह तबारक व ताला उनके ज़रिए से हक को हर जगह इम्तियाज अता फरमाता था और बातिल को कमज़ोर फरमाता था। फर्रक़ल्लाहु बिही बैन अल्हक वल बातिल, बैना फर्रका के साथ इस्तेमाल होता है, जमा के साथ भी इस्तेमाल होता है, जमा अल्लाहु बैनहु व बैनहु मतलब है दोनों को जोड़ दिया, और फर्रक अल्लाहु बैना बैनहु व बैनहु यानी दोनों को जुदा कर दिया। अफ़ज़लुन नासी मक़दिरतन व अमलकुहुम लिनफ़्सिही, अफ़ज़लुन नासी यानी उमर, उमर महज़ूफ़ मानेंगे हर जगह, और
आगे वाली बात खबर हो जाएगी। उमरु अफजलुन नासी, उमर लोगों में सबसे अफजल हैं, मकदीरतन कुदरत के लिहाज से, ये तमीज़ है। जैसे आप ये कहें कि मौलाना अली मियां साहब इस ज़माने के उलामा में अफजल हैं अदब के लिहाज से, तो आप कहेंगे الشيخ أبو الحسن علي الندوي أفضل العلماء أدبا وخلقا، أخلاق کے لحاظ سے، تو تمیز سے لحاظ اور اعتبار متعین کیا جاتا ہے۔ أنا أفضل منك نسبا، مثال کے طور پر आना ना कहिए, आप कह दीजिए अंत अफ़ज़लु मिन्नी नसबन, कि आप मुझसे अफजल हैं नसब के लिहाज से। अफ़ज़लु नास मक़दिरतन व अमलकुहुम लिनफ़्सिही, ऐ अमलकुन नास, हुम की ज़मीर अन्नास की तरफ लौटेगी, अमलकुन नास लिनफ़्सिही, और लोगों में सबसे ज़्यादा मालिक हैं अपने नफ्स के। और नफ्स का मालिक होना मतलब ज़ब्त नफ्स करना, अपने नफ्स पर इख्तियार रखना और अपने नफ्स पर काबू रखना, ये बहुत बड़ी सिफत है। हदीस में आता है लैसा शदीदु बिस्सुरअ इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, कि पहलवान वो नहीं है जो खूब पछाड़ने वाला हो, पहलवान वो है जो अपने नफ्स का मालिक हो। तो आप कहेंगे इमलिक नफ्सक, अपने आप को काबू में रखो, मलकहू इमलिक, अमलकू ये इसमें तफजील है, अमलकुन्नासी लिनफ्सिही, अशद्दुहुम फी हालिश शिद्दती व असलसुहुम फी हालिल लीन, अशद्दुहुम फी हालिश शिद्दती व असलसुहुम फी हालिल लीनी, हुम की ज़मीर लोगों की तरफ, अशद्दुन्नासी फी हालिश शिद्दती, लोगों में सबसे ज़्यादा सख्त हैं शिद्दत के मौके पर, शिद्दत के हाल में, व असलसुहुम फी हालिल लीन, और लोगों में सबसे ज़्यादा नर्म है, सलीसा यसलसु सलसन व सलासतन, उसके मायने नर्म होना। तो असलस ये इसमें तफजील है, असलसुन्नास ऐ अलियनुन्नास, तो लोगों में सबसे ज़्यादा नर्म, फी हालिल्लीन नरमी की हालत में, जब नरमी का मौका हो तो सबसे ज़्यादा नर्म, जब सख्ती का मौका हो तो सबसे ज़्यादा सख्त। मसाफे ज़िंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर, मसाफे ज़िंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर, शबिस्तान महब्बत में हरीरो परनिया हो जा। तो ये हज़रत उमर की शान थी, अशद्दुहुम फी हालि शिद्दती व असलसुहुम फी हालि लीन व अअलमुहुम बिरअयी ज़विर रअयी, ऐ अअलमुन्नास बिरअयी ज़विर रअयी, लोगों में सबसे ज़्यादा जानने वाले, अअलमुन्नास सबसे ज़्यादा जानने वाले, अफ़ज़लुन्नास सबसे ज़्यादा अफजल, अशद्दुन्नास सबसे ज़्यादा सख्त, अक़्रउन्नास सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, अक्तबुन्नास सबसे ज़्यादा लिखने वाले, अअलमुहुम अलिमा बा यानी उस चीज़ से वाकिफ़ होना, लोगों में सबसे ज़्यादा जानने वाले, बिरअयी ज़विर रअयी, ज़विर रअयी ज़ू, ज़ू की जमा ज़वू, और जर्री हालत में ज़वी, ज़वू अर्रअयी राय वाले, और चूंकि ये मुज़ाफ़ इलैह है, रअयी मुज़ाफ़ है, इसलिए ज़वी हो गया, ज़विर रअयी, राय फिर दूसरा मुज़ाफ़ इलैह है और ज़वू उसका मुज़ाफ़ है, तो इसमें दो मुज़ाफ़ और दो मुज़ाफ़ इलैह हैं। अअलमुहुम बिरअयी ज़विर रअयी, ज़वुल माल माल वाले, ज़वुल अक्ल अक्ल वाले, और एक होगा तो कहेंगे ज़ुल अक्ल ज़ुर रअयी,
राय वालों की राय से सबसे ज्यादा वाकिफ, राय वालों की राय से सबसे ज्यादा वाकिफ, मतलब ये जानते हैं कि फलां शख्स अक्लमंद है तो उसकी क्या राय है इस मामले में, और फलां शख्स भी अहले दानिश है तो उसकी क्या राय है, इससे वाकिफ रहते थे और वाकिफ रहने की कोशिश करते थे, मालूम करते थे। ये भी इंसान की हिकमत होती है कि अहले राय की राय से वाकिफ हो। वा अलमुहुम बि रायी ज़वी रायी, या फिर ये मायने कि खुद उनकी राय ही आकिलों की राय होती थी, ओकला की राय से सबसे ज्यादा वाकिफ, यानी ओकला की जो सवाब राय है, सही राय है, वो खुद उनकी राय होती थी, वो उससे वाकिफ होते थे। जो आकिल लोग जो अच्छी राय रखते हैं, वही राय उनके अंदर पाई जाती थी, उसी का इल्म उनके अंदर होता था। तो ये मतलब हो सकता है कि उनकी राय अक्ल की राय होती थी, अहले अक्ल की जो राय होती वही उनकी राय होती, या फिर ये मतलब है कि अहले अक्ल की क्या राय है इस मसले में, तो सबसे वाकिफ होते थे, सबकी आरा से। दो मतलब इसके हो सकते हैं। वा अलमुहुम बि रायी ज़वी रायी ला यतशागलू बिमा ला यानीही, ला यतशागलू बिमा ला यानीही। तफाउल में तकल्लुफ होता है, मशगूल नहीं होते थे, यानी अबस और बेकार फजूल कामों में मशगूल नहीं होते थे। तो उसके लिए आप कहेंगे फजूल कामों में मशगूल होने के लिए तशागुल, अच्छे कामों में मशगूल होने के लिए यश्तगिल, और जो तकल्लुफ वाले काम हो उसमें कोई आदमी पढ़ रहा है तो आप कहेंगे ला तशागल बिमा ला यानी का, नहीं मशगूल होते थे वो ऐसे उमूर में जो उमूर उनकी तवज्जो के नहीं है। ला यानी ही, अना यानी के मायने मुतवज्जे करना, ही की जमीर हजरत उमर की तरफ लौट रही है, जो उनको मुतवज्जे करने वाली चीज नहीं है, मतलब जो उनके लिए मुनासिब नहीं है कि उनकी तवज्जो को मबजूल करे, ऐसी चीज नहीं है, ऐसा काम नहीं है जो उनकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करे, तो वो उस काम में मशगूल नहीं होते थे। आप कहेंगे ये काम यानी मेरे तवज्जो का नहीं है, यानी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, तो आप कहेंगे हाजल अमरू ला यानी, ये काम मेरी तवज्जो को मबजूल करने वाला नहीं है। अना यानी मुतअद्दी इस्तेमाल होता है, हाजल अमरू ला यानी। तो ला यतशागलू बिमा ला यानी ही, जो काम उनकी तवज्जो का नहीं है, जो उनके काम का नहीं है, वो उसमें मशगूल नहीं होते थे। वला यहजनु लिमा यंजिलु बिही, और जो मामला उन पर आ पड़ता, नाजिल हो जाता, कोई मुसीबत कोई परेशानी आ पड़ती, उससे गमजदा नहीं होते। गमजदा नहीं होते मतलब ऐसा गम नहीं करते कि बस घुले जा रहे हैं और टेंशन में मुब्तला हो गए और अब आपे से बाहर हो गए, ये मोमिन की शान है। जो मामला आया है, मुश्किल आई है, अल्लाह ताला उसको हल फरमाएगा। तो ला यहज़नु लिमा यंज़िलु बिही, नज़ला बिहिल अम्रु ऐ नज़लत बिहिल मुसीबा, मुसीबत नाजिल होने के लिए बा इस्तेमाल होता है। नज़ला बिही अम्रुन शदीद, बड़ा मसला उनके ऊपर आ पड़ा। तो ला यहज़नु लिमा यंज़िलु बिही वला यस्तहयी मिन तअल्लुम, सीखने से वो शर्माते नहीं थे, इल्म हासिल करने से, छोटा हो बड़ा हो उससे इल्म हासिल कर लेते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को वो करीब करते थे क्योंकि इल्म था उनके पास। और एक औरत ने एक मर्तबा उनको मिंबर पर टोक दिया तो उन्होंने तस्लीम कर ली बात, उन्होंने कहा कि मेहर को ला तुगालू सदुकातिन निसा, के मेहर को ज्यादा ना रखा करो। तो एक औरत ने कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, अल्लाह ताला तो फरमाता है वा आतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारा,
कि अगर तुमने किसी औरत को बहुत ज्यादा माल दे दिया हो मेहर में तो उससे वापस ना लो, फला तअखुज़ु मिन्हु शैया। तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि औरत ने जो कुरान से दलील दी है वो अपनी जगह पर सही है। हालांकि उस मौके पर हज़रत उमर का मंशा ये का मेहर अपने इख्तियार से ज़्यादा ना रखो, और कुरान में जो बात आई है उसका मतलब ये है कि अगर किसी ने मेहर ज़्यादा भी दे दिया है तो अब वापस नहीं ले सकता वो, जब ताल्लुक़ हो गया तो अब अगर उसको तलाक भी देगा तो वापस उससे मेहर नहीं मांग सकता वो औरत से। वला यतहय्यरु इंदल बदीहा, बदीहा ये बदहा यब्दहु, अचानक कोई मामला आ पड़ना, उसी से बनाए बदीहा, अचानक को कहते हैं बदीहा। जो शख्स हाजिर जवाब होता है और अचानक कोई बात कही तो फौरन जवाब दे देता है उसको कहते हैं सरीउल बदीहा, यानी वो हाजिर जवाब है। तो यहाँ अचानक के मायने में, अचानक वो हैरत ज़दा नहीं होते थे। कोई भी बात हो गई तो बाज़ लोगों की आदत होती है कि कोई भी बात सुनी एकदम हैरान हो गए। हज़रत उमर बिल्कुल अपने आप पर काबू रखने वाले थे, कोई भी बात पेश आई कोई हैरानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। वला तहय्यरु इंदल बदीहा, और बदाहा के अंदर अचानक के मायने हैं बदाआ, हमज़ा और हा ये दोनों हरूफ हलकी हैं, हमज़ा और हा तो करीबुल मखरज हैं। बदाआ के मायने भी इब्तिदा करना, और इब्तिदा में कोई चीज़ पेश आती है तो वह अचानक पेश आती है। तो बदाहा और बदाआ दोनों के मायने करीब हैं। अरबी के अंदर ये बात होती है कि करीबुल मखरज अल्फाज होते हैं तो माने भी करीब होते हैं। बदाआ और बदाहा, अचानक और शुरू होना, शुरू में कोई चीज़ पेश आएगी तो उससे पहले नहीं थी तो अचानक हुई। ला यतहय्यरु इंदल बदीहा, बस आज इतना ही रखते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला कल इसको जारी रखेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल मुरसलीन।